आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। मुरादाबाद में कार खरीदने और बेचने का काम करने वाले एक युवक ने अपने ही मालिक को लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही नागपनी थाना पुलिस सक्रिय हुई और 4 घंटे में लूट के माल के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नागपनी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 घंटे के अंदर 7,85,000 की लूट की घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। लगभग थाने पर 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसका नाम केवल किशन धवन है और इसका एक पार्टनर है अजनान। ये दोनों गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करते थे। ये कल फरीदाबाद गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। इसके पास 7,85,000 रुपये का कैश और इसकी एक पिस्टल भी इसके पास थी, रिवॉल्वर इसके पास थी। इसने बताया कि जिसके साथ जो पार्टनर था ये बेहोशी की हालत में इसको छोड़कर और इसका जो पैसा और जो रिवॉल्वर है लेकर ये फरार हो गया और इसके साथ मारपीट करने की भी इसने बात बताई थी। इसमें तुरंत 3 थानों की पुलिस को लगाया गया, मझौला, पाकबाड़ा और नागपनी थाने को इसमें लगाया गया। इसकी गहनता से विवेचना करते हुए क्रम में इसमें जो अभियुक्त है अदनान को गिरफ्तार किया गया। इसने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की कि जब कहाँ इस सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इसने 100% कैश की रिकवरी और पिस्टल को भी रिकवर किया है। इसने बताया कि ये कल वापस फरीदाबाद से आ रहे थे। लगभग सुबह 5 बजे के करीब इसने पहले से ही जो इसमें केवल किशन धवन है इसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया था। इसलिए बेहोशी की हालत में था तब इसने कार्य किया और ये पैसे लेके और फिर पिस्टल जो रिवॉल्वर है इसको लेके फरार हो गया।